रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी जारी है। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, उसके बाद से ही रूस की मुद्रा रूबल लगातार नीचे गिरती ही जा रही थी, जिसकी वजह अमेरिका और यूएन द्वारा लगाए गए रूस पर कड़े प्रतिबंध थे। युद्ध शुरू होने से पहले 76 रूबल बराबर $1 था, तो वही युद्ध के बाद से ही लगातार रूबल की वैल्यू गिरती ही जा रही थी। 1 मार्च आते आते तो रूबल की वैल्यू 150 रूबल प्रति $1 हो गया, लेकिन मार्च के आखिरी हफ्ते तक रूस ने अपनी मुद्रा को फिर से संभाल लिया। वही मार्च का आखिरी हफ्ता आते आते इससे रूबल की वैल्यू 75 से 80 रुपए प्रति डॉलर के बीच हो गई। तो आखिर रूस ने ऐसा क्या किया कि उसने अपनी मुद्रा की वैल्यू फिर से बढ़ा ली? गाइस, रूस ने अपनी मुद्रा की वैल्यू बढ़ाने के लिए जो सबसे अहम कदम उठाया वो था गोल्ड की तुलना में रूबल की कीमत फिक्स करना। दरअसल रूस ने 1 ग्राम सोने के पीछे 5,000 रूबल को फिक्स कर दिया, जिसके चलते रूस मुद्रा बाजार में गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ लौट गया। आपको बता दें, 1971 तक गोल्ड स्टैंडर्ड ही दुनिया भर में सर्वमान्य व्यवस्था थी, लेकिन 1971 में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इसके बदले उन्होंने डॉलर को ही स्टैंडर्ड बना दिया। इसीलिए रूस अब दोबारा गोल्ड स्टैंडर्ड पर लौट गया, जिससे उसकी मुद्रा की वैल्यू फिर से बढ़ गई। इस पर ही रूस की एक वेबसाइट रशियन टुडे में पब्लिश एक आर्टिकल में कहा गया है, इस समय हम उस व्यवस्था को समाप्त होते हुए देख रहे हैं जो आज से 50 साल पहले शुरू की गई थी। इसके बाद रूस ने दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया वो है पेमेंट को रूबल में लेने का। हालांकि ये व्यवस्था केवल उन देशों के लिए है जिसको रूस ने अमित्र देशों की सूची में डाला है, जैसे कि अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन और साउथ कोरिया आदि देश शामिल हैं। अब अगर इन देशों को रूस से तेल या गैस खरीदनी होगी तो उन्हें रूबल में ही पे करना होगा, जिससे मुद्रा बाजार में रूबल की मांग बढ़ेगी और उसी के साथ साथ रूबल की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नॉलेज तत्व चैनल को सब्सक्राइब कर लें।